सभी लोग का स्वागत करते हैं। मैं काशी धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। श्री रामचरित मानस अध्याय पार जो हमने प्रारंभ किया था, एक संकल्प श्री राम आई प्लेलिस्ट के अंतर्गत, उसको आप लोग यहाँ पर नियमित मेरे साथ देख रहे हैं। और हम श्री राजा राम की, श्री भगवान राम की अयोध्या के राजा, अयोध्या नरेश, श्री रघुपति रघुकुल नंदन, श्री राम के भजन यहाँ पर था। श्री रामचरित मानस बहुत ही अमूल्य वरदान है धरती पर, अमूल्य ग्रंथ, अमूल्य शास्त्र है श्री रामचरित मानस। श्री राम की महिमा अपरंपार है एवं मेरा आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी श्री रामचरित मानस का नियमित पाठ। काशी अविचल है, अविनाशी है, शंभु की और नारायण की अपनी नगरी काशी। बिंदु माधव दर्शन प्रारंभ है, आप लोग काशी में आकर बिंदु माधव का दर्शन कर सकते हैं। पंचरथ अर्थात पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव जी का मंदिर है, जहाँ पर कि आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की। जैसा कि हम जानते हैं देवउठनी काशी आ गई है, देवशैनी और देव शयन कर जाते हैं, इसमें पूरा पूजन किया जाता है। नारायण का निवास स्थान जल में है, इसीलिए जब भी स्नान कीजिए नारायण का ध्यान जरूर कीजिए। श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए हम के अवतार श्री रामचंद्र, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे, और उनका चरित्र गायन करेंगे। रामचरित, रामचरित का मतलब आप क्या समझते हैं? राम जी का चरित्र। आइए प्रारंभ करते हैं। देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं। श्री रामचरित मानस हम दिख रहे हैं स्पष्ट। आइए प्रारंभ करते हैं। ంగళాంద్ర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 ాంద్
माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी के सर के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण की भवसागर से तरने की इच्छा मानव के लिए जो इच्छा रखते हैं ऐसी उनके लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। नाना पुराने माम सम्मतम वेदम मामाय निगदाम कुचितोपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषाय वन्दम जीव मंजुल मातो ती अनेक वेद पुराण तंत्र साध समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है, कुछ अनेत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के मुख्य लिए अंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता। तुलसीदास जी ने ऐसी बात कही, आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमने मंगलाचरण गा लिया है।
कानि कनक फूल छवि दे चितवत चित ही चोर जन दे चितवनि चार भुकुट सरबाती तिलक रेख शोभा जन चाहे। श्री राम लक्ष्मण उनके गुरु जनकपुर में आए हैं और उनके वैभव और रूप स्वरूप को देखकर सारा जनकपुर हतप्रभ है। यही रचना वर्णन है जो कि हम कर रहे हैं विगत कई दिनों से। ये बालकांड का महत्वपूर्ण चौपाई यही प्रदर्शित कर रहा। कानों में सोने के अत्यंत कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं, देखने वाले चित्त की मानो चुरा लेते हैं उनकी चित्त को। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है, भाव उनकी तिरछा और सुंदर भाव। माथे की तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है कि मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई। जे चातनी सब अक्षर में चतक कंचित केश नकसिक सुंदर बांधी दो तो बात सकल सुदे। सिर पे सुंदर चौकोनी टोपिया, काले घुंघराले बाल, दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक यानी कि एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर है। सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी, देखन नगर भूप सुतार, समाचार पूर्वासी हाय धाम काम सब त्याग, मन हूँ रंग लूटन ला। जब पूर्ववासियों ने समाचार पाया दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सभी पूर्ववासी घर बार काम का छोड़कर ऐसे दौड़ गए कि मानो धन का खजाना लूटने दौड़े। नीरा की सहाज सुंदर तो भाई ओई सुखी लोचन फल पाई, जुगांति भवन झारो खनि लागी, निरखनि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युति स्त्रिया घर के झरोके से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। जरा इसका एंगल सही करो कैमरे का, कैमरा मैन चल रहा है वीडियो। हाँ ठीक है, एंगल एकदम सही करो। ठीक है, और नजदीक लाओ, नजदीक लाओ वीडियो। कहे पासा पार बचना सप्रीति, सगी न कोटि काम छवि जीति, पुनरासुर नाग मुनि माय शोभासि कहु सुनियाति नाय। ये आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती जैसी श्री रामचंद्र की शोभा देखने को यहाँ प्रकट हो रही है। विष्णु चारी भुजे मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव आसे कौनाही, यहाँ छवि सखी पट तरिया जाही। सखी का मतलब फ्रेंड। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट और भयानक वेश है और उनके पांच मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। उपमा अलंकार आपने पढ़ा है कि उसको समानता दी जाए, उसको उपमा कहा जाता है। उसके जैसा बया किशोर सुषमा चदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बार यही कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोरावस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के
और सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करुण और वो काम देवों को निछावर कर देना चाहिए। इनका हाउस सखी आशीर्वाद जो नमो हायाहार बहुत प्रेम बोली मृदवानी जो मैं सुना सयानी। सयानी का मतलब होता है कि जो परिपक्व हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है, जो जवान हो जाता है उसको सयानी, समझदार हो जाता है। हे सखी भला कहीं तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी। सयानी का मतलब समझदार महिला, समझदार लड़की को सयानी कहते हैं। तो हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। उन्होंने क्या कहा? ए दो दशरथ के घोटा बाल गला रानी के कल जोटा मणिकाओ से कमठ के रखवारी ये नारायण अधीर निशाचर मारे। निशाचर का मतलब असुर होता है। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं श्री राम और लक्ष्मण। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय नमः। ओम श्री नमो नारायणाय नमः। ओम श्री नमो नारायणाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वजयेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवामि सहितम नमामि। शांताकारम वजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम सरिसवन्नम मेघवर्ण शुभंगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगवृत्तिहानगम्यम वंदे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम श्री गंगे नमः। नमः अन्नपूर्णाय च विशालाक्षी नमो नमः मात सर्वेश्वरी नमो नमः। ओम मा ललितेश्वरी नमो नमः मंगलागौरीश्च नमो नमः गणपति गणपते नमः महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। हे महादेव, हे विघ्नेश, हे रत्नेश्वर, हे आदि विश्वेश्वर, हे श्री सोमनाथेश्वर, काशी में हम कहते हैं मातु गंगा नमो नमः, मात अन्नपूर्णेश्वरी नमो नमः, मात विशालाक्षी नमो नमः, मात चौसठी नमो नमः, देवी शीतलाये नमो नमः, मात बंदी नमो नमः, बगला मुखिश्च नमो नमः, माता सर्वेश्वरी नमो नमः, बिंदु माधवाये नमः, आदि केशवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मीभ्यो नमो नमः। नमः पार्वती पते हर